बोलिए भारत माता की, भारत माता की। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला, कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला। आज के इस कर्नल श्री किरोड़ी सिंह जी बैसला जी के प्रतिमा अनावरण के कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन विराजमान, मेरी कैबिनेट में मेरे साथी गृह राज्य मंत्री सम्मानीय जवाहर सिंह जी बेडम साहब, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश जी भड़ाना साहब, करौली के विधायक भाई दर्शन सिंह जी गुर्जर साहब, हमारी पार्टी के प्रदेश के मंत्री भाई भूपेंद्र सैनी जी, स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के सुपुत्र सम्मानीय दौलत सिंह जी बैसला साहब, उनकी सुपुत्री सुनीता बैसला जी और हमारे देवली उनियारा से प्रत्याशी रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी के सुपुत्र भाई विजय बैसला जी, हमारे पूर्व मंत्री भाई हेम सिंह जी भड़ाना, हमारी पूर्व सांसद रंजीता जी कोहली, पूर्व विधायक मान सिंह जी गुर्जर साहब, प्रदेश के उपाध्यक्ष पूर्व विधायक भाई हेमराज मीना जी, श्री हेमराज पोसवाल जी, महंत भगवान देवनारायण मंदिर आसीन, सुभाष चौधरी जी पूर्व विधायक पलवल हरियाणा, राजेंद्र मीना विधायक प्रत्याशी बामनबास, अशोक जी, अशोक सिंह जी धाबाई प्रदेश मंत्री भाजपा, बूढ़ा भगत जी आरक्षण संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष हुकम सिंह ब्रिगेडियर साहब, अजीत जी महुआ पूर्व जिला प्रमुख, राजा राम जी गुर्जर पूर्व नगरपालिका सभापति करौली, महेंद्र सिंह जी खेड़ला पूर्व जिला परिषद सदस्य, दीपक जी करेला साहब सरपंच ग्राम पंचायत मुड़िया, और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, और इतनी गर्मी में आई सभी मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप ऐसे कार्यक्रम में आए हैं। कर्नल साहब ने जिस तरह से समाज के लिए, देश के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए काम किया था, राष्ट्र से भी समाज से भी स्वर्गीय श्री कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में हिस्सा लेने का आज जो अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत 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 आभारी हूं। सबसे पहले मैं स्वर्गीय कर्नल साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सभी से कहना चाहता हूं, जिस जीवटता के साथ कर्नल साहब ने देश और समाज की सेवा की, हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। कर्नल साहब का उद्देश्य इस देश के लिए था, समाज के लिए था, और मेरे पिछड़े हुए उस गांव के लिए था जहां गांव में शिक्षा और चिकित्सा की आज भी आवश्यकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जिस तरह से कर्नल साहब ने एक गांव से निकल करके दुनिया को देखा, उन्होंने आगे चल के जिस तरह से अपने आप को और अपने आप के विचार को बढ़ाने का काम किया, मैं मुड़िया की माटी को भी नमन करता हूं जिसने कर्नल साहब जैसे राष्ट्रभक्त और समाज सेवक को जन्म दिया। देश में समय समय पर ऐसी विभूतियां जन्म लेती हैं जिन्होंने अपना जीवन देश और समाज के लिए समर्पित कर दिया। ऐसी विभूति हर तरह की चुनौतियों को पार कर खुद को खपाकर समाज को मजबूत करने का काम करती हैं। कर्नल साहब उसी विभूति में से एक थे। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी लगन
और अपनी मेहनत से एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। और आपको पता है कर्नल साहब का जीवन सेवा को समर्पित रहा, पहले देश सेवा और फिर समाज सेवा का काम किया और गांव के हर व्यक्ति को एक दिशा देने का काम कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी ने किया। कर्नल साहब में राष्ट्रभक्ति का भाव कितना कूट कूट कर भरा हुआ, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शिक्षक के रूप में नौकरी मिलने के बाद भी वो उसे छोड़कर सेना में भर्ती होने का काम किया। मेरा मिलना होता था, कभी कभी मिलते थे तो उनसे बात होती थी, अगर आधा घंटा उनके पास बैठने को मिलता था तो उससे कुछ ना कुछ लेकर के जाते थे, उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। एक बार साधारण रूप से बैठे हुए थे, उन्होंने एक बात मेरे से कही थी, वैसे वो हमने आपने सभी ने किताबों में पढ़ा है, लेकिन उनका वो ध्येय वाक्य था। उन्होंने कहा घर परिवार के फायदा के लिए अगर गांव का फायदा हो तो अपने घर परिवार का फायदा छोड़ देना चाहिए, अगर क्षेत्र का फायदा हो तो गांव का फायदा छोड़ देना चाहिए, अगर तहसील का फायदा हो तो क्षेत्र का फायदा छोड़ देना चाहिए, और जिले का फायदा हो तो तहसील का फायदा छोड़ देना चाहिए, अगर प्रदेश का फायदा हो तो जिले का फायदा भी छोड़ देना चाहिए, और राष्ट्र का फायदा हो तो प्रदेश का भी छोड़ देना चाहिए। यह उनके विचार में था, उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट करके भरी हुई थी। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कर्नल साहब को छोटे स्वरूप में हम नहीं बांध सकते, क्योंकि उनका वो विकास स्वरूप विराट स्वरूप जिन्होंने देखा, क्योंकि उनकी जो सोच से बड़ा होता है व्यक्ति, उसकी सोच किस तरह की है, उनकी राष्ट्रवादी सोच थी और वो भारत मां को हमेशा अपनी सोच से आगे लेकर के चलते थे। भाइयों बहनों मैं कहना चाहता हूं कर्नल साहब ने अपने परिश्रम से सेना में सिपाही से लेफ्टिनेंट कर्नल तक का सफर तय किया। कहा जाता है कि कर्नल साहब के सीनियर उन्हें जिब्राल्टर की चट्टान कहते थे और उनके जो साथी कमांडो थे वो इंडियन रेमबो कहा करते थे, ये कर्नल बैसला की पहचान थी। कर्नल साहब 3 दशक तक भारतीय सेना में रहकर भारत माता की सेवा की। उन्होंने 1962 में चीन, 65 तथा 71 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में भी वो आगे रहे। सेना की सेवानिवृत्ति के बाद समाज में असमानता, अशिक्षा, पिछड़ेपन की खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने समाज की दिक्कतें और चुनौतियों को निकट से देखा है, क्योंकि गांव से निकले हुआ व्यक्ति उन सारी बातों को जानता है, सभी को समझता है। उनको एक एक बात उनके मन में थी, उन्हें दूर करने के लिए आजीवन प्रयास करते रहे। कर्नल साहब का सपना था कि हर व्यक्ति को अच्छी सेहत और शिक्षा मिले। उन्होंने शिक्षा, विशेष रूप से बालिका शिक्षा को महत्व बताया। बाल विवाह, शादियां, फिजूल खर्च, दहेज प्रथा ऐसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए जागरूकता पैदा करने का काम कर्नल साहब ने किया। समाज की बेटियों को अच्छा पढ़ाने के पक्षधर अक्सर वे समाज के मंचों पर भी कहते थे, गांव की चौपाल पर भी कहते थे, क्योंकि एक बेटी पढ़ती है तो 3 परिवार पढ़ते हैं, यह उनकी अवधारणा भी थी। स्वर्गीय कर्नल साहब की प्रतिमा आज समाज के युवाओं लोगों को देशभक्ति और समाज सेवा के लिए प्रेरित करेगी, उनमें नई ऊर्जा का संचार करेगी। यह प्रतिमा युवाओं को राष्ट्र को प्रथम मानने तथा सैन्य बलों में भर्ती होने के लिए प्रेरित भी करेगी। मैं आज किसान सम्मेलन में आए सभी भाई बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र राज्य में हमारी सरकार है, आपके हितों के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेगी, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। देश के किसान हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, इसकी एक झलक आपके सामने पेश करना चाहता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 3रे कार्यकाल में सबसे पहले प्रधानमंत्री का चार्ज लिया तो उसमें किसान सम्मान निधि की
सत्रहवीं भी किस्त देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। सबसे पहले बैठते ही पहले सत्रहवीं भी किस्त किसानों को देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। हमारी सरकार ने पूर्वी राजस्थान के इस हिस्से में चंबल नदी का पानी लाने के लिए ईआरसीपी योजना को मंजूरी दी, इसे धरातल पर उतारने का काम शुरू कर दिया है। और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि जो आपकी सबसे बड़ी योजना इतने सालों से जो पड़ी थी, हमने उसको आगे बढ़ाने का काम भी हमने किया है। राजस्थान कृषक समर्थन योजना के अंतर्गत एमएसपी 2275 रुपए पर 125 रुपए बोनस देकर के 2400 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। पीएम किसान सम्मान निधि जो हमें 6000 रुपए मिलती थी, आपको ध्यान होगा हमारे पहले बजट में हमने 2000 रुपए बढ़ाते हुए उसे 8000 रुपए करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। फसली ऋण वितरण योजना 10000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ये हमने किया है। 41,137 नवीन कृषकों को ऋण उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार कराएगी, ये भी हमने किया है। 40,000 से अधिक कृषि कनेक्शन जारी किए गए हैं, ये भी हमारी सरकार ने इन 3 महीनों के अंदर किसानों के लिए किया है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, किसानों के बिजली के बिलों में 8,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। 50,000 से अधिक किसानों के खेतों में सोलर पंप स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है और आने वाले समय में 50,000 सोलर पंपों की स्वीकृति और प्रदान हो जाएगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बीज एवं फर्टिलाइजर मशीनरी आदि को सस्ते दाम में उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत में 14,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए हैं। गोपालक क्रेडिट कार्ड योजना में 5,00,000 गोपालकों को 1,00,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। पहले किसान क्रेडिट कार्ड मिलता था, लेकिन अब गोपालक क्रेडिट कार्ड भी आपको मिलेगा, वो 1,00,000 रुपए का मिलेगा और बिना ब्याज के ऋण आपको मिलेगा। पशुओं को शीघ्र चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराने के लिए 248 मोबाइल वेटरनिटी इकाइयों की शुरुआत की गई है। हमारी सरकार कर्नल साहब के सुरक्षित राज्य, समृद्धि किसान और खुशहाल समाज की संकल्पना को साकार करने में जुटी है। मैं एक बार पुनः स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और उन्होंने जो कहा था, उनका जो सपना था, और वो सपना उनका था कि हर शिक्षा और चिकित्सा का उनका जो सपना था, मुझे पता है क्योंकि इस मुड़िया से और पास से काफी गांव जुड़े हुए हैं। यहाँ पीएससी है और आवश्यकता सीएससी की है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज इस मौके पर पीएससी से सीएससी करने की घोषणा करता हूं। एक मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे को कई बातें आपने बताई हैं, सुनीता जी ने कहा है, लेकिन कुछ बात तो उसमें होने वाली है जो बीच में आ गई है, उनकी मैं आज नहीं कह सकता। लेकिन शिक्षा और चिकित्सा का जो उन्होंने कहा है, शिक्षा का भी कोई ना कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हम करेंगे जो कर्नल साहब के लिए समर्पित होगा, उनके भावनाओं पर समर्पित होगा। मित्रों, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, जिस तरह से कर्नल साहब के जो विचार थे, उन विचारों को हमें आगे बढ़ाना होगा। हमें उन समाज के उन लोगों को जो अंतिम पंक्ति में हमारा भाई, हमारा ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसको आवश्यकता है, ये सरकार की भी जिम्मेदारी है। साथ साथ में हम नागरिक होने के नाते हम नागरिकों का कर्तव्य भी बनता है कि हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको आवश्यकता है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि उसको केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभ दिलाने का काम हम करें, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। कई बार हम देखते हैं हमारी सरकार की योजना है, हम नाम मांगते हैं, हम देखते हैं हमारी विश्वकर्मा योजना है, स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, इस तरह की हमारी बहनों के लिए
कई प्रकार की हमारी योजना है, लेकिन उन योजनाओं का ठीक प्रकार से हम लाभ नहीं ले पाते। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी आगे आए और अपने नागरिक होने के दायित्व को भी पूरा करें। समाज के अंदर कोई हमारा अंतिम पंक्ति में जिसको लाभ मिल सकता है वो व्यक्ति बैठा है, तो उसको आगे ला करके लाभ दिलाएं। इतना ही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। हमारी सरकार ने जो आपके बीच में वायदे किए थे, हम आपसे विश्वास दिलाना चाहते हैं हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे, एक एक वायदे को पूरा करेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, जो पार्टियां हैं सरकार आती हैं, लोग लुभाने वायदे भी करती हैं। पहले भी देखा होगा, आप भी देखे होंगे किस तरह से बरगलाने का काम करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमें किसी के झांसे में नहीं आना है, क्योंकि आपने उन लोगों को भी देखा है। क्योंकि आजादी के 75 साल के बाद भी हम अगर गांव में देख रहे हैं तो शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली की बात करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर प्रदेश में और देश में राज किया तो किसने किया? अब वो किसी से किससे पूछना चाहते हैं? उन्होंने उस गांव की दूरी और शहर की दूरी को बढ़ाने का काम क्यों किया? उन्होंने उस गांव में अगर वो सारी व्यवस्थाएं होती तो आज वो इतने बड़े बाड़े को छोड़ करके 15x30 के उस मकान में या उस फ्लैट में रहना कोई पसंद नहीं करता। वो इसलिए कि उसको गांव में शिक्षा से लेकर चिकित्सा के लेकर के उनकी पूर्ति नहीं होती है, इसलिए वो शहर में जाता है। अगर हम कहना चाहते हैं 70 साल में उन लोगों ने क्या किया, आपके बीच में आए तो उनसे पूछना चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया और आज धीरे धीरे आप देख रहे हैं एक एक गांव को सड़क से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज हम चिकित्सा की बात करते हैं, हमने कहा है कि हर व्यक्ति को चिकित्सा की सुविधा मिलनी चाहिए, शिक्षा की सुविधा मिलनी चाहिए, हमने कहा हर व्यक्ति को नल से जल मिलना चाहिए। आप देख रहे हैं जेजेएम के अंदर कितना केंद्र सरकार से पैसा आया, या तो वो पैसा लगा नहीं, लगा तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। मेरे उस किसान भाई को, मेरे उस गांव के उस व्यक्ति को पानी पहुंचाने का काम नहीं किया और आप देख रहे हैं पानी का सोर्स पहले नहीं देखा और मेरे गांव की सड़क खोद करके डाल दी और उसमें पाइपलाइन डाल दी। गांव में पानी भी नहीं जा रहा है और मेरे गांव की सड़क भी तोड़ने का काम पूर्ववर्ती सरकार ने किया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप विश्वास रखिए कि हमारी सरकार ने एक एक काम किया है, वादा जो आपसे किया उसको पूरा करेंगे। और आपने ये भी देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने दीनदयाल ज्योति के नाम से हर गरीब को बिजली का कनेक्शन देने का काम किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारी जो मूलभूत सुविधाएं उनको करना आवश्यक है। हमारे उस व्यक्ति को अगर उसका लाभ मिलेगा तो उसका लाभ उसका बेटा भी लेगा, बेटी भी लेगी, हमारी बेटी भी आगे बढ़ेंगे और हमारा बेटा भी आगे बढ़ेगा। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, आज के दिन कर्नल साहब के इस प्रतिमा अनावरण के कार्यक्रम में आप सभी से इतना ही अनुरोध है कि आप आइए, साथ चलिए और हम आप साथ चले और हमारे इस प्रदेश को मजबूत बनाए, हमारे गांव को मजबूत बनाए, हमारे क्षेत्र को मजबूत बनाए। इतना ही मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में इस गर्मी के समय में आए, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।